किडनी फेलियर का पेशेंट अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन से डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि क्रिएटिनिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्रिएटिनिन बॉडी में बनता कहाँ है और कैसे बनता है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको किसी भी टाइप की विग्रेस एक्सरसाइज से बचने के लिए कहा जाता है। जितना नमक आप इंटेक करेंगे उतना सोडियम बॉडी के अंदर जाएगा और उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है किडनी को फेल करने में, उतना ही बड़ा कारण है डायबिटीज। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 9 टिप्स दूंगा जो आपकी हेल्प करने वाला है आपके क्रिएटिनिन को डाउन करने में। एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन से डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि क्रिएटिनिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। अगर आप इस बेसिक चीज़ को समझ जाते हो कि क्रिएटिनिन कहाँ बन रहा है और क्यों बन रहा है और क्या खाने से वो पड़ेगा, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब समझने वाली बात है कि अगर किसी एक शरीर के अंदर क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है और अगर हम उसे घटाना है, सिर्फ हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि वो बॉडी में क्रिएटिनिन बन की प्रोडक्शन कम कर दी जाए और दूसरा तरीका ये है कि हम क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालें किडनी के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों तरीकों पर मेंशन करेंगे, दोनों पे ही बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिएटिनिन को समझने से कि क्रिएटिनिन बॉडी में बनता कहाँ है और कैसे बनता है। ये जो क्रिएटिनिन है ये मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा लेता है, जैसे वो दालों का कंजुम्पशन ज़्यादा करता है, दूध की बनी हुई आइटम ज़्यादा लेता है या फिर प्रोटीन का इंटेक नॉनवेज के फॉर्म में ज़्यादा करता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और रिजल्ट क्या होता है कि वो रिजल्ट आपको आपकी KFT रिपोर्ट में देखना शुरू हो जाता है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया। ये क्रिएटिनिन इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि आपकी किडनी कम काम कर रही है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने प्रोटीन फ्री डाइट पर जाना है, यानी खाने के अंदर हम प्रोटीन को निकाल देंगे और उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, बॉडी के अंदर जाएगा और जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की उस हिसाब से बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती प्रोटीन की, आपका वेट लॉस देखने को नहीं मिलता और आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती रहती है। ये जो प्रोटीन फ्री डाइट होती है लिमिटेड टाइम के लिए होती है, इसको हम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इसको नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज तैयार हो जाती हैं। अगर किसी किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा लीन है, जिसको प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और इसे प्रोटीन देना भी है, तो हम ऐसा प्रोटीन देते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन ना बनाए, और वो है आपकी दालें। हम जो दाल खाते हैं, अगर हमें बुखार हो जाए तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि कौन सी दाल खानी चाहिए, हमें कहते हैं कि आपको मूंग की दाल खानी चाहिए, खिचड़ी खाइए। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मूंग की दाल होती है बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, इसी वजह से इसे किडनी फेलियर पेशेंट को लेना चाहिए और ना ही बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएटिनिन बनाती है। तो मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई या फिर मोठ की दाल हो गई, ये वो दालें होती हैं जो इजीली डाइजेस्ट होने वाली हैं, इजीली एब्जॉर्ब होने वाली हैं, इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट जिनके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है उनको इन दालों पे रखा जाता है। टिप नंबर 2 है अवॉइड विग्रेस एक्सरसाइजेस। बॉडी में जो क्रिएटिनिन बन रहा है वो बन रहा है मसल्स के अंदर, तो अगर किसी भी वजह से हमारी जो है मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है उन केसेस के अंदर क्रिएटिनिन की जो फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर हम कोई विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, यानी हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो मसल्स में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और वो आपको आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको किसी भी टाइप की विग्रेस एक्सरसाइज से बचने के लिए कहा जाता है। अब पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं, सर अगर हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो रोज करते हैं। तो अगर हम विग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो है एरोबिक एक्सरसाइजेस का, जिसके अंदर आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आती है, यानी अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति। इसका फायदा किडनी फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है उसको समझने की जरूरत है। जब भी आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो क्या होता है, आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन बढ़ जाती है। नॉर्मली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 98% के आसपास होगी, मगर जब आप डीप ब्रेथिंग करेंगे तो वो टच कर जाएगी 100%। ये जो 2% का
इंक्रीज होता है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर, वो हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को बर्न डाउन करने में। तो हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति जैसी, या फिर अगर हमें मस्कुलर कोई एक्टिविटी करनी भी है तो उसके अंदर हम करते हैं योगा, क्योंकि योगा जब भी आप करेंगे तो डीप ब्रेथ लेंगे और आपकी जितनी मसल्स हैं वो सारी स्ट्रेच हो जाएंगी मगर बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को नहीं बढ़ाएंगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब चलते हैं टिप नंबर 3 और वो है अवॉइड फीवर। फीवर एक ऐसी चीज़ है जब यहाँ पे हमारी पूरी मसल्स में थकावट होनी शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, और जब भी किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट को फीवर आता है तो क्रिएटिनिन एकदम जम कर जाता है। फीवर से पहले जो लेवल 3 था वो आप देखते हो कि सीधा 10 हो गया, पेशेंट को एकदम डायलिसिस करवाना पड़ा और देखते देखते दिक्कत बढ़ती चली गई। तो हमने अपने आप को फीवर से बचा के रखना होता है क्योंकि फीवर के अंदर मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और अगर आपको किडनी फेलियर के पेशेंट हो, फीवर आ भी जाए और आप देखते हो कि क्रिएटिनिन लेवल आपके बढ़ भी गए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जैसे ही फीवर उतरेगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर आपका क्रिएटिनिन लेवल पहले जैसा होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को याद भी रखना है और इससे बचना भी है। टिप नंबर 4 पर चलते हैं, वो है अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए के अंदर एक कोल्ड इंटॉलरेंस होना कि मतलब फैन चल रहा है, उनको ठंड लग रही है, एसी के उनको बर्दाश्त नहीं होता, कपकपी छूटनी शुरू होती, कॉमन सिम्टम होता है। मगर अगर यही किडनी फेलियर का पेशेंट कोल्ड क्लाइमेट में रहता है या ऐसे एनवायरमेंट में रहता है जहां पर एसी चल रहा है, फैन चल रहा है और उनकी कपकपी छूट रही है, शिवरिंग हो रही है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि शिवरिंग की वजह से, मसल्स की शिवरिंग की वजह से बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बिल्कुल कहते हैं कि आपने अपने आप को वार्म एनवायरमेंट के अंदर रखना है, कोल्ड क्लाइमेट से अपने आप को बचाना है, शिवरिंग से अपने मसल्स को बचाना है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आप शिवर कर रहे हैं रात के अंदर तो आपका क्रिएटिनिन लेवल जरूर बढ़ेगा, तो हमने अपने आप को इससे बचाना है। अब चलते हैं टिप नंबर 5 पे और वो है अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है एक ऐसी चीज़ है जो 40% किडनी फेलियर के पेशेंट तैयार करती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी बड़ा रहता है, मान लीजिए कि वो 120-90 रहता है, ये जो नीचे का 90 का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना काबिल होता है कि आपकी किडनी को फिल कर सके, आपकी किडनी को श्रिंक कर सके। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और किसी भी वजह से हैं और अगर आप देख रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो आपकी किडनी को डैमेज करेगा ही करेगा। चाहे आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट हो, चाहे आप आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट हो, चाहे आप पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट ही क्यों ना हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो डैमेज कर रहा है। इसी वजह से अपने ब्लड प्रेशर को किसी भी कीमत पे कंट्रोल करना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए चाहे आपको नमक बंद करना पड़े, उसके लिए चाहे आपको मेडिसिन ज्यादा लेनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को 100% कंट्रोल में लेकर आना ही पड़ेगा और आपकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो बदल जाती है, क्योंकि किडनी फेलियर के अंदर हमें पता है कि ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसके अंदर जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो नॉर्मल वैल्यूज नहीं होती जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए हैं। आपकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 120-70-80, यानी जो हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रखेंगे उसको 70-80 के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा लोअर साइड रखेंगे जिससे किडनी पर उसको नुकसान ना हो और आपकी बॉडी आराम से सारे फंक्शंस कर सके। अब चलते हैं टिप नंबर 6 पे, वो है अवॉइड सॉल्ट। हम सबको पता है कि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जितना नमक आप इंटेक करेंगे उतना सोडियम बॉडी के अंदर जाएगा और उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं सबसे पहला काम यही किया जाता है कि उनका नमक बदलवा लिया जाता है। नॉर्मली हम जो सॉल्ट लेते हैं वो होता है सी सॉल्ट, और ये सी सॉल्ट जो होता है ये फैक्ट्रीज के अंदर बनता है और ये प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। हमने एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ये जो सॉल्ट है सी सॉल्ट को चेंज करना होता है रॉक सॉल्ट से, क्योंकि रॉक सॉल्ट जिसे हम हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, लाहौरी नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सॉल्ट होता है। कहीं पहाड़ों पे पानी इकट्ठा हो गया और जब पानी जब उड़ा तो नीचे सॉल्ट छोड़ गया। ये जो सॉल्ट होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं होती। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब आप सेंधा नमक का यूज़ करना शुरू करते हैं तो इस सोडियम क्लोराइड के साथ साथ बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स जा रहे होते हैं। ये मिनरल्स ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। माना कि इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा जितना आपका सी सॉल्ट से बढ़ेगा। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को सेंधा नमक लेना चाहिए और एक टंग में खाने में चुटकी भर नमक, यानी एक 1 pinch ऑफ सॉल्ट, इतनी जितना आपका नमक आपकी एक चुटकी के अंदर आ जाए इतना ही आपको नमक लेना है एक टंग के खाने के अंदर। अगर पेशेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, अपनी टंग पर कंट्रोल कर लेता है, सॉल्ट के इनटेक पर कंट्रोल कर लेता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने ब्लड प्रेशर को आराम से कंट्रोल करने में।
अब चलते हैं टिप नंबर 7 के ऊपर और वो है कैफीन। कैफीन जो है हम कई कई तरीके से लेते हैं। अक्सर लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, या फिर हम एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं जिनके अंदर कैफीन कंटेंट होता है उसका इंटेक ज़्यादा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कैफीन ज़्यादा गया, कैफीन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा और ये हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डैमेज करेगा। तो जितनी भी कैफीन कंटेनिंग चीज़ें होती हैं वो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो आपकी कॉफ़ी हो, चाहे वो आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हो, चाहे वो आपकी एरिटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है क्योंकि ये आपकी किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। टिप नंबर 8 है अवॉइड शुगर। जैसे ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है किडनी को फेल करने में, उतना ही बड़ा कारण है डायबिटीज़। और जिन पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ है और वो शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उनका शुगर लेवल बढ़ना एक लाजमी चीज़ है और ये हाई ब्लड जो शुगर लेवल है आपकी किडनी को डैमेज करेगा। क्यों करेगा इसको समझने की ज़रूरत है। जब भी हमारी जो शुगर लेवल है वो 180 को क्रॉस करता है तो किडनी एक अलग तरीके से काम करना शुरू करती है। वो काम करना शुरू करती है एज ए प्रेशर कुकर। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने पर सीटी खुल जाती है और सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, उसी तरह से जब बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो किडनी काम करती है उस सीटी की तरह। जैसे ही शुगर लेवल आपके 180 को क्रॉस किए, किडनी क्या करेगी, अपनी जो वॉल्स है वो खोल देगी और शुगर को वहां से बाहर जाने देगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो बाकी ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स है, आपके पेनक्रियास है, उस पर हाई शुगर लेवल का नुकसान ना हो और वो ज्यादा काम करना शुरू करती है, शुगर को बॉडी से बाहर निकालना शुरू करती है। अब आप खुद सोचिए कि एक तो उसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है शुगर को बॉडी से बाहर निकालने का और जो ब्लड उसको आ रहा है उसके अंदर भी शुगर लेवल ज्यादा है, तो दोनों तरफ से इंपैक्ट होने की वजह से किडनी धीरे धीरे काम करना कम करना शुरू कर देती है। पेशेंट का जो ब्लड है वो सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता और किडनी लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं या नहीं हैं, उनको अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट हैं उनको साइंस इंजीनियरिंग की यही एडवाइस होती है कि आप अपनी शुगर, जो हम शुगर खाते हैं, उस पर कंट्रोल कीजिए, अपने लेवल्स को कंट्रोल में रखिए जिससे आपको किसी टाइप की दिक्कत और सामने देखने को ना मिले। अब चलते हैं टिप नंबर 9 और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जब लेवल बढ़ने शुरू होते हैं तो जब तक वो 1, 2, 3 आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, मगर 3 के बाद जब वो बढ़ना शुरू होते हैं 3, 4, 5, 6 ये बहुत तेजी से होना शुरू होता है। क्यों होता है इसको समझने की ज़रूरत है। जब हमारी बॉडी में किडनी ने कम काम किया तो सिर्फ बॉडी में क्या सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठे होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही वेस्ट मटेरियल हो। हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है और उनमें से 2 है क्रिएटिनिन और यूरिया। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका टेस्ट हो नहीं पाता, वो आपकी बॉडी में एक्युमुलेट होता है रहता है और वो एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है जहां पे किडनी और ज़्यादा खराब होनी शुरू होती है। जितना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा उतनी किडनी खराब होगी। हमारी किडनी हमारी बॉडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करना, यानी एसिडिटी को रेगुलेट करना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, साथ साथ इकट्ठा होता है एसिड, ये एसिड हमारे ब्लड के पीएच को डाउन कर देता है, एसिडिक बना देता है, तेजाबी बना देता है। अब आप खुद सोचो कि आपकी बॉडी के अंदर तेजाब इकट्ठा होता जा रहा है, क्रिएटिनिन के साथ साथ एसिड भी इकट्ठा होता जा रहा है और जो ब्लड किडनी के अंदर आ रहा है सर्कुलेट होकर वो भी एसिडिक है और किडनी पहले से नुकसान से रह चुकी है। इस एसिडिक ब्लड की वजह से किडनी को और डैमेज होता है और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार होना जिसकी वजह से किडनी का और फर्दर तेजी से खराब होना। इसी वजह से जैसे ही आपका लेवल 3.5 को क्रॉस करता है, 3 और 4 के आसपास आता है, आपके लेवल तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिड है और ये किडनी के थ्रू बाहर नहीं जा सकते क्योंकि किडनी कम काम कर रही है। तो हमारे पास इकलौता रास्ता रह जाता है कि इस एसिड को बॉडी के अंदर ही न्यूट्रलाइज करना। जैसे कभी एसिड का जल जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे दूध लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तैयार होता है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाइकार्बोनेट से, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो बफर की तरह काम करते हैं, यानी वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये जो बफर है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये हमें कहाँ से मिलता है, नॉर्मली अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं उसके अंदर नोडोसिस सबोसिस चल रहा है तो वो इसी पर्पज़ के लिए चल रहा है कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो। और जिन पेशेंट की मेडिसिन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं चल रहा उनको चलाने की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपके लेवल कम हो सकता है डॉक्टर्स ने अभी आपके लिए ज़रूरी ना समझा हो, मगर आपके लिए कम अमाउंट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट लेना या बेकिंग सोडा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पेशेंट इंडिया से बाहर
बाहर रहते हैं, जो साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट हैं और उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के वहाँ मेडिसिन नहीं मिल पाती, वो क्या कर सकते हैं? वो मार्केट से बेकिंग सोडा परचेज कर सकते हैं। अगर आपके लेवल 3.5 से कम है तो आपने क्या करना है, आधा ग्राम बेकिंग सोडा दिन में 3 बार लेना है पानी के ग्लास के अंदर। और अगर आपके लेवल्स 3.5 से ज़्यादा हैं, 4 से अबव हैं, तो आप 1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा लेंगे दिन में 3 बार। इससे क्या होगा कि आप बेकिंग सोडा के अमाउंट लेने से सोडियम बाइकार्बोनेट बॉडी में जाता रहेगा और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हो पाएगा, आपके लेवल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका कर पेशेंट अपनी किडनी को पचा सकता है, अपने किडनी लेवल को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन टिप्स को आप फॉलो करोगे, इन चीजों से आप बच के रहोगे, जिससे आपकी किडनी को नुकसान ना हो, अगर हो चुका है तो वो और आगे ना बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए किडनी के बारे में, किडनिन के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।